दरभंगा में बिहार दिवस के शुभ अवसर पर जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह और एसएसपी गर्मा मल्लिक के आगमन से ट्रस्ट और छात्राओं को मिली नई प्रेरणा। ट्रस्ट डायरेक्टर कुक थी तरन और चेयरमैन विवेक कुमार कल्याण ने पुष्प गुच्छ देकर एवं खादा देकर उनको स्वागत किए। 500 छात्राओं ने फूलों से स्वागत किए। अधिकारियों को खादा देकर उनको स्वागत किया गया। सबसे पहले डीएम और एसएसपी विद्यालय के भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना किए, विद्यालय और डेंटल क्लिनिक का भ्रमण किए, ट्रस्ट का शुभकामना दिए। डीएम श्री अभिषेक सिंह और एसएसपी श्रीमती गरिमा मल्लिक द्वारा 10 ऑक्सीजन सिलेंडर बोधगया पीएचसी में और 3 रिक्शा जो दारू बनाने में जेल गए उनको रोजगार करने के लिए दिए। साथ में पीएचसी के तरफ से डीएम द्वारा सिद्धार्थ कंप्रेशन ट्रस्ट को सम्मानित किया गया। इसके साथ सिद्धार्थ कंप्रेशन ट्रस्ट का सिलेंडर रिलीज किए। उसके बाद डीएम और एसएसपी द्वारा ट्री प्लांटेशन का कार्य किया गया। विवेक कुमार कल्याण और कुक चित्रण डीएम एसएसपी सीओ श्री शिव शंकर राय, थाना प्रभारी श्री शिव कुमार महतो, नगर पंचायत बोधगया के सुशील कुमार सिंह एवं पीएचसी के डॉक्टर ऋषिकेश जी को मोमेंटो सब प्रेम भेंट किए। इस कार्यक्रम में बोधगया और गया प्रशासन के रोटरी क्लब बोधगया से रणविजय सिंह, ग्लोबल एनजीओ से डॉक्टर राजेश कुमार, मनोरंजन प्रसाद समदर्शी, डॉक्टर कमलेश कुमार, बीके वर्मा, अजय कल्याण, मुरारी सिंह चंद्रवंशी, वर्मा टेम्पल के यूएन न्यानिंदा डॉक्टर शिवानंद मिश्रा, डॉक्टर बिरमनी पांडे, पवन कुमार ने साथ साथ में फ्रांस और इंग्लैंड के शिष्यमंडल भी उपस्थित थे। विवेक कुमार कल्याण माननीय अतिथियों का स्वागत करते हुए और अपने दिल से अपने सारे शिक्षकगण की तरफ से तत्पश्चात एसएसपी मैडम गरिमा मल्लिक ने कानून व्यवस्था एवं शराबबंदी पर बोलते हुए लोगों को प्रेरित किए और उन्होंने कहा कि सज्जनों और सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट जो है इससे जुड़े हुए विवेक जी, माता जी और अन्य जो भी गणमान्य लोग इससे जुड़े हुए हैं, मीडिया के बंधुओं, और सबसे ज्यादा मेरा यहाँ पे ध्यान आकृष्ट होता है जो जिनको देख करके हमें लगता है सभी लोगों की जो है मुस्कुराते खिल जाते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियों। मेरा सबसे पहला जो इंटरेक्शन था विवेक जी के साथ और सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट के साथ वो पिछले साल था, जैसे इन लोगों ने भी आपको बताया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शराबबंदी की जो मुहिम चली थी तो उसमें हम लोग जगह जगह घूम रहे थे। कानूनी जो है आप शराब बना रहे हैं तो एक तो वो सामाजिक बुराई आप अपने आप में से कल्टीवेट कर रहे हैं और उसको पूरे समाज में फैला रहे हैं। तो जो दो रिक्शा इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हुए वो हमें लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा कदम था समाज को उस बुराई से दूर लेकर के जाने के लिए समाज की तरफ से योगदान। उसी कड़ी में इस बार भी जैसे मुझे पता चला है कि 3 हम लोगों के भाई हैं जो कभी इस बुराई के साथ जुड़े हुए थे लेकिन वो आज खुद जागरूक हुए हैं, सामाजिक रूप से जो है जागरूकता आई है कि शराब बनाना पीना बेचना ये गलत बात है और उसमें हम लोग इनका समाज के रूप में, समाज के अच्छे नागरिकों के रूप में सहयोग कर रहे हैं इनको ऑल्टरनेटिव जीविका उपार्जन का साधन प्रोवाइड करके। तो इसके लिए जितने भी लोग जी हो, एक बात आप लोगों को कहूंगी, अपनी पढ़ाई जो है बेटा लड़का हो या लड़की हो पूरी करना। आप लोगों को जो सहायता उपलब्ध होनी है वो सब जगह से है, सरकार की तरफ से है, कहीं कोई आप लोगों को दिक्कत आए तो सारे सरकारी जो है लोग आपके सामने है, समाज के अच्छे लोग हैं वो खड़े। जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा
कि जीविका दीदियों के एवं बिहार के महिलाओं के मांग पर ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी का ऐलान किए थे। बिहार दिवस पर सबसे पहले मैं सभी लोगों को शुभकामना देना चाहता हूँ।